because you've always been a dusky beauty. Okay. And हमने उसको appreciate करना या हमने ये कहना कि नहीं मैंने कर दिया तो वो ठीक हो जाएगी. मैं तुम्हें बताऊँ एक बात. आज secret. क्या? मैंने कोशिश की थी टीके लगवाने की. ना करें, ना करें. हाय. मुझे allergy हो गई. अल्लाह का शुक्र. और कोई millions and trillions में किसी एक इंसान को allergy होती है, इसलिए अल्लाह मियाँ नहीं चाहता था मेरा रंग गोरा हो. You are beautiful. I'm just joking. Yeah, but I tried it. I did allergy. Yeah. Very, very good. अच्छा चलो जब तुम्हारे पास इतनी tips हैं, तो कुछ tips इन लोगों के लिए दो. Life and beauty tips पर फिर दौस आशिक एवान. क्या करना चाहिए उन्हें अपनी looks के लिए? हर रोजाना वो टीवी पे आई होती हैं. कुछ उनके लिए एडवाइस कि अपने आप को यू नो मजीद बेहतर. और आपको पता है वो मॉडल भी बनना चाहती थी एक जमाने वो में. बनना चाहती थी. एंड बाय द वे जरा सी वहाँ पे सारे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आई थिंक वो इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी ज्यादा. बिकॉज ऑब्वियसली बंदा कैसे दे, 24 घंटे आपने बाहर खड़े होने बातें करी है. आई फील फॉर समवन लाइक हर अ नाइस स्किन रिजीम व्हिच मीन आई डोंट थिंक उनके पास टाइम भी है. जब आप पॉलिटिशियन होते हो तो 15 से 20 मिनट में आपका मेकअप आर्टिस्ट आपको रेडी कर देते हैं. देखा है? देखा तो हुआ है. बहरहाल आपके लिए क्या टिप्स हैं? अ गुड स्किन रिजीम व्हिच मींस के रात को मेक श्योर के नाइट क्रीम एंड अंडर आई क्रीम लगा के सोया करें. सुबह उठ के अपने फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज किया करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं बिकॉज इट विल हेल्प विद स्किन एंड अ नेचुरल ग्लो. ओके अच्छा जी रिलेशनशिप टिप्स फॉर इमरान खान. अब उनकी देखिए तीसरी शादी चल रही है तो कोई रिलेशनशिप टिप्स? देखिए तीसरी शादी तक तो इंसान को समझ आ जानी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना. चलो क्या करना है वो ना भी इंसान को समझ आए तो क्या नहीं करना इंसान समझ जाता है. तो अगर जो क्या नहीं करना वो उसी पे अमल कर दे तो आई थिंक ही विल बी सेट फॉर लाइफ. गुड गुड आंसर. अच्छा जी लाइफ ब्यूटी एंड रिलेशनशिप टिप्स फॉर आमिर लियाकत. और स्पेशली वो भी मॉर्निंग शोज भी करते हैं. आप क्या बात कर रही हैं? आमिर लियाकत हमें टिप्स देंगे कि हम उन्हें देंगे? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? You have nothing for him. Boy, I am going to ask him for tips for you and for me. अच्छा मरियम नवाज शरीफ जेल में है. जेल में टाइम कैसे गुजारें? कोई टिप्स? I think she should write her memoirs. I'm not joking because वो जो एक experience जो उनकी मदर ने बाहर निकल के politically एक steps उठाए, being the daughter of a politician, then उन shoes को fit करना. She's also someone who's a beauty icon. Yeah. Whether you like it or not, I mean, I really admire her. मैं उनका interview face to face कर चुकी हूँ और मैं सत्ते में थी कि कोई इंसान इतना खूबसूरत और इतनी दूध मलाई हो सकता है. She was with me in college. और वो तब भी इतनी खूबसूरत थी. She's beautiful. The point is, again, I'm not in support of. It is not a support of political party. No, no, it's not. कि she's beautiful. Now the point is. But I do hope that she maintains her beauty while she's there because she's gorgeous. But the fact is, I think she should write her memoirs. उनकी कहानी देखिए, दिखने में जो इंसान खूबसूरत होता है, जो मुस्कुरा रहा होता है, या जो मामला, she probably has a really tough story also. मेरे ख्याल से अभी उनकी story बन रही है. अभी मजीद और बन रही है. बन रही है. अच्छा bad relationship भी life में देखे, bad marriage भी life में देखी. एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? शदीद शदीद जरूरी है. बात यह है कि माय हस्बैंड इज फैबुलस. मुझे 20 दफा कह चुका है कि अगर तुम तंग आ गई हो या तुम कभी मैं घर आती हूँ बहुत तंग आती हूँ. आई हेट माय जॉब. जिस दिन मैंने एपीएस का शो किया मुझे उससे नफरत थी अपनी अपनी नौकरी से. जिस दिन मैंने कसूर के वाले बच्चों पर बात की मेरा कलेजा फट गया था. देयर आर डेज यू कम होम फ्रॉम वर्क एंड यू आर लाइक डोंट वांट टू डू दिस, आई हेट दिस. लेकिन उस दिन मेरा मियाँ मुझे कह घूम के कहता है कि जानी नहीं करना तो इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा. और वो संभाल रहा है सब. बट द पॉइंट इज इंडिपेंडेंस से जो आप एम्पावर होते हो और जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है वो और किसी चीज से नहीं आता. जो खवातीन घर पे रह के अपने बच्चे संभालती है मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ. होम मेकर से ज्यादा मुश्किल काम किसी का भी नहीं है. सो आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर होम मेकर्स. लेकिन अगर आप काम और बच्चे साथ लेके चलना चाहते हैं या सिर्फ काम करना चाहते हैं और आप यू डोंट इवन वांट टू हैव किड्स, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, मोर पावर टू यू. हर इंसान को हक होना चाहिए कि वो करे जो उसका जी चाहता है. आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर फॉर एग्जाम्पल वो जॉब नहीं करके पैसे कमाते तो फिर उनके हस्बैंड को उनको देने चाहिए पैसे कि यू नो ये तुम्हारा मंथली का है, तुम्हारा है पॉकेट मनी. उसी हम ये बड़ी ज्यादती करते हैं ना मर्द, कहते हैं इसके अंदर सारा मैनेज करो. फिर औरत गिल्ट के मारे में उसमें 5 रुपए भी नहीं निकालती. हाँ, हाँ. आपको पता है मैं अपने मियां से पॉकेट मनी लेती हूँ.
वेरी गुड अपने लिए वेरी गुड और मैं उसको कहती हूँ मेरी और मैं उसको कहती हूँ मेरी डेंटिंग पेंटिंग के पैसे वेरी गुड मैं अपनी थ्रेडिंग कराऊँ मैं अपना मैनिक्योर कराऊँ मैं अपना पेडिक्योर मैं कराऊँ मैं जो मर्जी करूँ और मैं अपने मियाँ से कहती हूँ कि मेरे पैसे भी मेरे हैं और तुम्हारे पैसे भी मेरे हैं जिस जुगन को मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ और जो मॉर्निंग शो होस्ट वाली जुगन है पीजे 13 जो जुगन है आई मीन दैट इज पीजी पीजी 2 तो ये तुमने एक्वायर किया है पूरा या तुम्हारे अंदर एक वो भी है और इट्स वर्क देखें एक सैयदा मेहरबानो काजिम है जो मेरा असल नाम है और एक जुगन काजिम है जुगन काजिम इज अ मैड बबली इन योर फेस पर्सन बट एक सेंसिटिव तमीजदार एहतराम वाली लड़की जिसको घर में कुछ लोग बड़ों की छोटों की इज्जत करना सिखाई गई वो भी मेरे अंदर है अब बात ये है कि मैं ऑन एयर जाके एक सर्टन काइंड ऑफ पर्सोना भी टेक ऑन कर सकती थी जिसमें लोग मुझे जुगन जी बुलाएं और या मैं जुगन आपी बन सकती थी और शायद जुगन आपी बन के लोग मुझे अपने घरों में भी इनवाइट करते और चाहते कि मैं जो बातें करूं के कहूं और करूं वो उनको फॉलो करें सो आई चोज जुगन आपी ओवर जुगन जी ओके ओके ग्रेट आई मेड अ चॉइस अच्छा दूसरा मुझे बताओ अभी आजकल यू रियली फील फॉर कश्मीर इशू यू स्पोक अ लॉट अबाउट इट क्या कहना चाहोगी मेरे प्रोग्राम में भी क्योंकि यहाँ पे भी लोग जब देखेंगे व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट पेलेट गन्स क्यों नहीं बैन हो रही एक सिंपल सा सवाल है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से पेलेट गन्स ही बैन हो जाती हैं तो एक मेजर स्यापा तो खत्म हो जाएगा इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब मीडिया अब कर्फ्यू उठा देंगे और मीडिया जो है वो ओपनली चीजें रिपोर्ट कर सकता है लेकिन खैर फ्रीडम ऑफ प्रेस तो दुनिया में कहीं भी नहीं है तो जितनी फ्रीडम हो सकती है देखी जाएगी किसी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी और इंसान को टॉर्चर करे चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो वो जर्मन हो वो फ्रेंच हो सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी है मैं कश्मीर इशू नहीं मैं इंसानियत के इशू के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कश्मीर में अगर ज्यादती हो रही है तो पाकिस्तान में भी ज्यादतियां हो रही हैं सो अगर कश्मीर के बच्चे और कश्मीर के लोग इंपॉर्टेंस रखते हैं तो पाकिस्तानी के बच्चे और यहाँ के लोग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन लोग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं आई एम जस्ट सेइंग कैन वी बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नॉट हम सबका एक दूसरे से एक रिश्ता है और वो है इंसानियत का उसके बाद आप डिफरेंट कंट्रीज एंड सिटीज एंड मजाहब से बिलोंग करते हैं अगर सारे इंसान बन जाए तो बहुत से मसाइल और बहुत सी वॉर्स एंड एटॉमिक नॉनसेंस जो है वो खत्म हो जाएगी ओके एक अपने इस पूरे जर्नी में तुमने फिल्म कर ली थी शान के साथ वो क्या था जगन व्हाट डिड यू मैं बात नहीं करनी मैं बात नहीं करनी अच्छा रियली नहीं बात करनी बिल्कुल नहीं करनी वो क्या हुआ था किसने तुम्हारे साथ गलती इंसान से ही होती है हो जाती पर किसने तुम्हारा दिमाग खराब किया मेरा ओके हुआ ये बिकॉज जो हमने सुना था कि वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई की अडैप्टेशन शान बना रहा है और वो तुम मेजर वेरोनिका का रोल तुमने करना है अच्छा ये और हम उसका इंतजार कर रहे थे अच्छा, ये और उसके बाद जुगन आगे कुछ यूं करती यूं करती छल्ला छल्ला अच्छा छल्ला छल्ला गाते गाते हुआ ये था कि एक्चुअली वो फिल्म शान ने नहीं बनाई थी वो फिल्म जो है वो फिल्म अल्ताफ हुसैन साहब ने डायरेक्ट तुम्हें वहां तक पहुंचाने का किसका काम था ये मेरे पास अल्ताफ हुसैन साहब आए थे और मैंने शान से भी एडवाइस ली थी एंड ही सेड इट्स अ गुड फिल्म कर लो यू नो यू विल बी ऑन द मेन लीड बाद में जब फिल्म शूट होना शुरू हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आई डोंट फॉरगेट दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान आपने उसके बाद देखा है कि मैंने कोई मूवी की है नहीं वो कहते हैं ना पंजाबी वाला त्रा निकल गया मैंने कहा नहीं, यार उसके बाद मूवी मिली नहीं कि तुमने की नहीं क्योंकि उसके बाद मिलना भी मुश्किल था वैसे जो वो फिल्म थी आई हैव डन अ फिल्म एन इंग्लिश फिल्म विद मोमल प्रोडक्शंस कॉल्ड सिडेर वो पाकिस्तान और कैनेडियन वो है कोलैबोरेशन उसके बाद मूवीज की ऑफर्स आई लेकिन जिस किस्म की मूवीज की ऑफर्स आई मेरी जान निकल गई सिंपल सी बात है आई ऑफर्स बट उसी टाइप की मूवीज की ऑफर्स आई सो मैं बैक ऑफ कर गई फिर अब जो ये नई वेव पिछले 5-6 साल से आई है मूवीज की उसमें वंस और ट्वाइस आई वाज अप्रोच्ड बट या तो मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आई या फिर बिकॉज मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो मैं 30-30, 40-40 दिन की स्पेल्स दे नहीं सकती थी तो जगह जो अंदर एक एक्टर बैठा हुआ है एक्टिंग के बगैर
तकलीफ तो होती है जो एक्टर होता है उसको, होती है तकलीफ। माँ भी तो ना, आपने कितनी अपनी एक्टिंग कॉम्प्रोमाइज की है? 10 साल। आपने भी तो 10 साल कॉम्प्रोमाइज की थी ना अपनी एक्टिंग। बट बात पता है क्या है, हम लोग एज एक्टर्स जब माँ भी बन जाते हैं, हमारी जब फैमिलीज भी होती हैं, हमारे ऊपर जब हजार और कमिटमेंट्स होती हैं, आप मुझे कहती ना ढूंढ क्या रही हो, आई एम लुकिंग टू एक्ट द वे आई वॉन्टेड टू एक्ट, लेकिन वो ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह गया। तो शायद इस वजह से मैंने अपना सैलून भी खोल लिया, मैग्निफिक, मैंने फिट कल्चर अपना फिटनेस स्टूडियो खोल लिया, बैम्बू गार्डन रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें मैंने शायद इसलिए फिर करनी शुरू की कि मैंने कहा चलो आई सेटिस्फाई माई सेल्फ विद दीज थिंग्स, ऑल्सो बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट फूड, आई लव फूड, लाइक आई सेड सेलिब्रिटी स्टेटस जिंदगी में हजार चीज़ों के लिए यूज कर सकती थी, किया तो रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन के लिए भूखी। As far as my businesses are concerned, I have partners. You know, Marouche is my partner with Magnifique. Fit Culture में Basim Shahzad is my partner and Asad is my partner with Bamboo Garden. So the point is, my partners handle this stuff. तो मैं help है, support है। Support क्या? सब करते ही सारा काम वो है। मैं तो वेली वहाँ पे। I mean, I turn up and I have input in it, but it's mostly their baby. Because मेरा baby YouTube और मेरा morning show है।